देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है। दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है। दर्पण मतलब आप शीशे में देख रहे हैं, घड़ी में 4:40 हो रहा है, तो उसका वास्तविक यानी कि सही समय क्या है पूछ रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आसान ट्रिक। देखिए देखिए, जब 4:40 की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 12 बजे में से यानी कि 12 बजे में से उसको क्या करेंगे, 4:40 घटा लेंगे। तो 12 में से 4:40 कैसे घटाएंगे, तो 11:60 ये कितना होता है, 12 बजे का है ना, 11:60। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4:40 घटा लेंगे 4:40, ठीक है। जब ऐसे दे यानी कि 4:40 दे, तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से 4:40 को घटा लेंगे। जब 4:40 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाइए इधर से राइट साइड से घटाएंगे तो 0 में से 0, और यह इधर आ जाएगा 6 में से 4 जा 2, और 11 में से 4 जा 7, यानी कि 7:20। उसका सही समय क्या हो जाएगा, 7:20। तो 7:20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों आप समझ गए क्या करना है आपको, जब दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन दे और सही समय पूछे, तो हम क्या करेंगे, उसको 12 बजे में से घटा लेंगे। आप चाहते तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहते तो सिर्फ सोच लेते 12 में से 4:40 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि कोई किसी घड़ी में 12 बज रहा है और 4:40, तो आप सोच सकते हैं तो 12 बजे में से 4:40 घटा लेंगे यानी 12 घंटे में से, तो 7:20 आपका बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ ऐसे रहता कि किसी, देखिए अगर क्वेश्चन रहता दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4 समय दर्शाती है, 4 बजे का समय दर्शाती है, ठीक है। अगर जो 4 बजे, सिर्फ 4 बजे रहता, तो हम क्या करते, 12 में से घटा लेते, तब कितना वास्तविक समय हो जाता, 8 हो जाता, ठीक है। तो हमें करना क्या है, 12 बजे में से जो दर्पण वाला समय है उसको घटा लेंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, वास्तविक समय आ जाएगा। तो इसमें 4:40 था, 12 में से 4:40 घटा लिए तो 7:20, यानी कि 7:20 उसका वास्तविक समय हो गया। आप इसे ट्रिक को याद रखेंगे तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बिना पेन उठाए और बिना सोचे समझे। अब डायरेक्ट क्या करना है, घटा लेना है और आंसर आ जाएगा।